हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीर। चलिए देखते हैं। 2 लीटर मैंने दूध लिया हुआ है खीर बनाने के लिए, और 1 कटोरी चावल, दाल खाने वाली कटोरी से छोटा सा कटोरी, उससे मैंने 1 कटोरी चावल लिया हुआ है, और 1 ग्लास उसमें मैं पानी डाल दूँगी, इसको सोक करने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारा दूध होगा तब तक इसको सोक कर के लिए रखेंगे। ये हमारा दूध बॉइल हो चुका है, इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। और जब हमारा दूध बॉईल हो चुका, इसमें जो चावल मैं भिगो के रखी थी वो ऐड कर दूंगी। पानी को हम निकाल देंगे चावल से, उसके बाद ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से चलाते रहिए, बीच बीच में चलाते रहना है अच्छे से, वरना ये दूध में पक रहा है नीचे पकड़ लेता है, जिस भी बर्तन में हम बनाते हैं उसमें पकड़ लेता है। तो अच्छे से इसको चलाते रहिए। अब हमारा खीर पक रहा है, मीडियम फ्लेम पे हम खीर को पकाएंगे। चावल जैसे हम पकाते हैं वैसे ही पकाएंगे सेम, बट इसको सॉफ्ट करेंगे हम, चावल से सॉफ्ट बनाते हैं। हाथ से मसलने पे बहुत ही अच्छे से ये मसल जाता है। देखिए, हमारा खीर रेडी हो चुका है, इसको बस थोड़ा सा और पकाएंगे। एकदम सॉफ्ट दिख रहा है। अब इसको हम चलाते रहेंगे, बराबर चलाएंगे, वरना पकड़ लेता है खीर। इसमें मैं चीनी डाली, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है डाल सकते हैं। मैंने 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाली, ये ड्राई फ्रूट मैं रेडी करके रखी हुई थी, बादाम और काजू और किशमिश, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। देखिए, हमारा खीर रेडी हो चुका है, अब सर्व कीजिए आप। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपसे हम्बल